हेलो फ्रेंड्स, डेनी क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए मोस्ट पर्यायवाची शब्द लेके आया हूँ जो आपकी आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। ये पर्यायवाची शब्द वो हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। 10 पर्यायवाची शब्द मोस्ट, उसके बाद में हम आगे भी इनको चलाते रहेंगे। अब आपको क्या करना है, इन पर्यायवाची शब्द में कॉपी और पेन हाथ में ले लेनी है और कॉपी पेन लेके जो जो मैं बोलूँ उनको लिखते जाना है। वीडियो के एक बार में याद नहीं होता है तो वीडियो दूसरी बार देखो, लेकिन इनको अभी के अभी आपको याद करके चलना है, अभी कंप्लीट करके चलना है। जिनके याद हो जाते हैं वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि सर मेरे याद हो गए हैं सारे के सारे पर्यायवाची। जिन जिन के याद हो जाते हैं वो कमेंट कर देना। अब 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्यायवाची की बात करेंगे हम। तो सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों कमल की। दोस्तों, कमल के तो आपको लगभग सारे ही याद रखने हैं क्योंकि ये बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है। अब जो कमल के मोस्ट हैं वो मैं आपको बताता हूँ। सरोज, जलज, पंकज, नीरज। जल के जल लग जाएगा जलज, नीर जल को ही बोलते हैं नीरज। वैसे ही सरोज, जलज, पंकज, नीरज आप लिखोगे तो क्या होगा, एक दो बार लिखोगे सरोज, जलज, पंकज, नीरज, अच्छे से बैठ जाएगा सरोज, जलज, पंकज, नीरज। और बताऊं मैं इनको दोस्तों लिखने का, मैं खुद बताऊं तो मैं खुद भी इनको ऐसे याद रखता था, और आज जैसे मैं कमल के पर्यायवाची आते हैं तो मैं खुद इनको ऐसे बोलता हूं, सरोज, जलज, पंकज, नीरज, राजीव, अरविंद, इंदिवर, नलिल, उत्पल, सारंग, शतपत्र, पदम, कंज, अब्ज, पुंडरिक, वारिज, कोकनद, शतदल, शरशिरु, सरसिज, ऐसे बोलता हूं मैं उनको। क्यों बोलता हूं, क्योंकि मैंने लिख लिख के अच्छे से इनको याद किए हैं। अगर आपको भी अच्छे से याद करने हैं पर्यायवाची, ना भूलो तो इनको 4-5 बार आपको लिखने हैं। सरोज, जलज, पंकज, नीरज, राजीव, अरविंद, इंदिवर, नलिन, उत्पल, सारंग, शतपत्र, पदम, कंज, अब्ज, पुंडरीक, वारिज, कोकनद, शतदल और सरसिज। अब जो रिपीटेड हुए हैं बार बार वो मैंने टिक लगा रखे हैं, वो आपको मैं बता देता हूँ। सरोज, जलज, पंकज, नीरज ये हो गए, उसके बाद में उत्पल हो गया, सारंग हो गया और पदम हो गया और सरसिज, ये तो याद करने ही करने हैं। सारे हों बेस्ट है, सारे कर लिए आपने तो ये मान लो आपकी नौकरी कोई नहीं रोकेगा, लेकिन ये भी कर लिए तो ये भी आपके लिए बेस्ट है। चांद का देखते हैं हम, चांद का पर्यायवाची। अब चांद का आपको ऐसे याद करना है, इसमें सबसे पहले चांद पे कौन सा भारतीय था जो सबसे पहले चांद पे गया था, तो उसका नाम है राकेश शर्मा। तो चांद का सबसे पहले होगा राकेश, राकेश से याद रखेंगे राकापति। अब फिर बोलना कि राकेश शर्मा चांद पे गया, इसलिए उसने अपने बेटे का नाम भी चांद पर ही रख दिया, और बेटे का नाम रख दिया शशि, और शशि से याद रखेंगे शशांक। राकेश, राकापति, शशि, शशांक, 2-3 लड़कों के नाम याद रखने हैं, हिमांशु, सुधांशु, मयंक, हिमांशु, सुधांशु, मयंक, राकेश, राकापति, शशि, शशांक, हिमांशु, सुधांशु, मयंक। चांद दिखाता है कलाएं, और कला से याद रखेंगे कला निधि, और लास्ट हो जाएगा इंदु। एक बार और बोल रहा हूँ, लिख लेना है आपको अच्छे से, राकेश, राकापति, शशि, शशांक, हिमांशु, सुधांशु, मयंक, कला निधि और इंदु, ये हो जाएंगे चांद के पर्यायवाची। उसके बाद में हम देखते हैं दोस्तों आँख के। अब आँख में आपको नयन और नेत्र, ये तो सबको आते हैं। जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है आँख का वो है लोचन। लोचन अक्षर को आँख का पर्यायवाची है तो पकड़ के रखना है, इस लोचन से ही हम सारे करके चलेंगे। लोचन 3 अक्षरों का शब्द है। लो से हो गया लोचन, जैसे हम याद रखेंगे चक्षु, जैसे चक्षु, जैसे ही माइंड में क्लिक कर गया चक्षु तो 2 शब्द और क्लिक करने चाहिए आपके साथ साथ, अक्ष और अक्षी। जैसे चक्षु, इसके साथ 2 शब्द और क्लिक करेंगे वो होंगे अक्ष और अक्षी, ठीक है। अब न से हो जाएगा नज़र, लो से लोचन, जैसे चक्षु और चक्षु के साथ माइंड में क्लिक करेगा अक्ष और अक्षी, न से हो जाएगा नज़र। और लास्ट जो आँख का याद रखना है वो है दृग। दृग भी इम्पोर्टेंट है, पूछ लेते हैं, दृग थोड़ा हार्ड भी हो जाता है। दृग ये हो गया आँख का। अब हम बात करते हैं दोस्तों अमृत की। अमृत के कौन से पर्यायवाची शब्द हैं उनकी बात करते हैं। ऐसे अमृत, और ऐसे याद रखना है अमी और अमीय, अमी अमीय, ये होंगे अमृत के। और अमृत की बोलूँ तो मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ,
वो याद रख लेना। अमृत पी सोशु, अमृत पी सोशु, अमृत हो गया पी से हो जाएगा पीयूष, सो सो से सोम, सु सु से दो याद रखने हैं, सुधा और सुरभोग। अमृत के क्या क्या निकल गया है, अमी अमी है, फिर मैंने बोला अमृत पी सोशु, पी से हो जाएगा पीयूष, पीयूष है जो बार बार रिपीट होता है, पी सो सोम सु, सु से सुधा और सुरभोग। सुधा सुरभोग भी इंपॉर्टेंट है अमृत के, ये हो गए अमृत के। अमृत के बार बार लिखो, जैसे सारे याद हो जाएं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि सर हमारे पूरे याद हो गए हैं। आगे बात करें हम आकाश की, बात करते हैं आकाश के, आपको कॉमन सेंस से याद कर लेने हैं, जैसे गाने भी चलते हैं फलक तक चल साथ मेरे, तो फलक से याद हो जाएगा फलक। हम बोलते हैं धरती अंबर सितारे, धरती अंबर आसमान, तो फलक निकल के आया, अंबर निकल के आया, और हम आकाश को बोलते हैं गगन, गगन भी आकाश को बोला जाता है, व्योम भी बोला जाता है और नभ भी बोला जाता है। फलक, अंबर, गगन, नभ, व्योम, ये हो जाएंगे आकाश के पर्यायवाची शब्द। ये वही शब्द हैं जो आपको याद करने हैं, एक भी इनमें छोड़ मत देना, एग्जाम में यहीं से बनेंगे आपके जो पर्यायवाची बनेंगे। उसके बाद में हम बात करते हैं दोस्तों अरण्य की, अरण्य हम बोलते हैं जंगल को, और जंगल को तो वन भी बोलते हैं। वन माइंड पे क्लिक करते ही हमें बोलना है विपिन, वन से बोलेंगे विपिन और वन से ही बोलेंगे कानन, जंगल वन, विपिन कानन, और कानन से आएगा कांतार। आपने नाम सुना होगा कि वाल्मीकि ने इस प्रदेश के लिए मरुकांतार शब्द का प्रयोग किया था हमारे राजस्थान के लिए, तो कांतार का मतलब होता है जंगल, तो जंगल से आया वन, वन से निकल के आया कानन, विपिन कांतार, ये जंगल के शब्द हो गए। और बात करें दोस्तों हम, तो हमारे पास आ जाएगा अटवी, अटवी भी इम्पोर्टेंट है, ये आया हुआ क्वेश्चन था इसलिए मैंने इसमें टिक लगा रखा है अटवी का, जंगल वन विपिन कानन कांतार और अटवी, ये हो गए आपके पास जंगल के। अब हम बात करते हैं किरण के पर्यायवाची शब्द, तो किरण को बोला जाता है मयूख, मरीची, मयूख और मरीची दोनों बहुत बार रिपीट हुए हैं आपके, मयूख, मरीची, रश्मि, अंशु और कर, ये हैं, कर वैसे हाथ को भी बोलते हैं, मयूख, मरीची, रश्मि, अंशु और कर, ये होंगे किरण के पर्यायवाची शब्द, दो तीन बार लिख लो अच्छे से याद हो जाएंगे। अब बात करते हैं दोस्तों अग्नि की, अग्नि भी आपको पता है बार बार एग्जाम में आता है, अग्नि का सबसे पहले होगा अनल। अब आपको ध्यान रखना है कि अनल शब्द अग्नि का होता है और अनिल हवा का होता है, अनल, अरुण, ये होंगे अग्नि के, अनल, अरुण, अग्नि के शब्द होंगे अनल, अरुण। अग्नि में हम पकाते हैं तो पकाने से हम याद रख लेंगे पावक, पावक, अग्नि में दहन भी करते हैं जैसे होलिका दहन, होलिका दहन, दहन भी अग्नि को बोलते हैं। अनल निकल के आया, अरुण निकल के आया, पावक निकल के आया, दहन निकल के आया, उसके बाद आएगा हमारे पास हुताशन, ऐसे याद रखने के भूतों को इसमें जलाते हैं, भूतों से हुताशन भी याद रख लेना, हुताशन अग्नि का हो जाएगा। और बात करें दोस्तों तो जात वेद अग्नि का होता है, ऐसे याद रखना कि जब भी हम कोई जात देने जाते हैं, हमारे राजस्थान में नॉर्मली जात देते ही हैं देवी देवताओं की, ये सब, तो जात से याद रख लेना जात वेद, ये भी अग्नि का हो जाएगा। और लास्ट होगा धनंजय, ये अग्नि के पर्यायवाची शब्द हैं जो बार बार आपके एग्जाम में आते हैं, बोर्ड पे आपको दिख रहे हैं, इनको याद करना है। अब हम बात करते हैं दोस्तों सूर्य की, सूर्य के पर्यायवाची शब्द देखते हैं, सूर्य से दिन होता है और दिन से याद रखेंगे दिनकर, और दिन से ही याद रखेंगे दिवाकर। सीक्वेंस में चलोगे लिख लिख के सारे याद हो जाएंगे, उल्टे सीधे तरीके से इनको रटने बैठोगे याद नहीं होंगे। तो सूरज क्या करता है, दिन, और दिन से याद रखेंगे दिनकर, और दिनकर से याद रख लेंगे दिवाकर, और दिवाकर से याद रख लेंगे प्रभाकर, और प्रभाकर के बाद में याद करेंगे भास्कर। मिलते जुलते शब्द हैं, दिन, दिवाकर, प्रभाकर, भास्कर, और भास्कर के बाद में जो माइंड में क्लिक होगा वो होगा भानु, जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे ही आपको माइंड में भी क्लिक करके चलने हैं। भास्कर के बाद में हमारे माइंड में क्लिक होगा भानु। अब भानु से ऐसे याद रख लेना, भानु जैसे ही माइंड में क्लिक होगा तो ऐसे याद रखना कि भानु कोई लड़की है जो पतंग उड़ाती है, भानु पतंग उड़ाती है, और किसके साथ उड़ाती है भानु, रवि के साथ और दिनेश के साथ,
भानु पतंग उड़ाती है और किसके साथ उड़ाती है? रवि के साथ और दिनेश के साथ। तो भानु निकल के आया, पतंग निकल के आया, रवि निकल के आया, दिनेश। और जो पेच लड़ाते हैं हम, वो पेच किससे लड़ाती है? तो वो पेच लड़ाती है आदित्य से, आदित्य से, सविता से, इनसे पेच लड़ाती है भानु। आदित्य से, सविता से और अंशुमाली से पेच लड़ाती है। सूर्य के निकल के आए दिनकर, दिवाकर, प्रभाकर, भास्कर। भास्कर से निकल के आया भानु, और भानु तो पतंग उड़ाती है, और पतंग उड़ाती है तो उसके साथ पतंग कौन उड़ाता है? रवि उड़ाता है, दिनेश उड़ाता है। पेच किससे लड़ा रहे हैं हम? तो पेच लड़ा रहे हैं हम आदित्य से लड़ा रहे हैं, सविता से लड़ा रहे हैं, और अंशुमाली से हम पेच लड़ा रहे हैं। ये सूर्य के पर्यायवाची शब्द हैं, इनके बाहर कुछ नहीं आएगा। ये सब आपको अच्छे से याद करके चलने हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों नदी के पर्यायवाची शब्द की। तो नदी का जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है वो होता है सरिता। बार बार एग्जाम में पूछा जाता है नदी का पर्यायवाची शब्द सरिता। सरिता के बाद में हम याद करेंगे कि कोई भी नदी जो बहती है वो तट के आसपास बहती है, तो तट से याद रखेंगे तटिनी। और तटिनी याद आते ही हमारे माइंड में क्लिक कर जाएगा तरंगिणी। सरिता हो गया, तटिनी हो गया, तरंगिणी हो गया। फिर हम बोलेंगे इसका वाहिनी, ऐसे याद रखना, पानी को वहन करती है, तो वहन करने से वाहिनी और शैलजा, ये हो गए नदी के, जिसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट अपने पास सरिता है। उसके बाद में तटिनी, तरंगिणी, वाहिनी हो जाएगा, शैलजा हो जाएगा, ये इम्पोर्टेंट है नदी के पर्यायवाची शब्द। अब ये 10 मैंने आपको पर्यायवाची शब्द बताए हैं, लिख लो अच्छे से, बार बार रिपीट करो। जैसे ही कंप्लीट हो जाएं आप मुझे मैसेज करके बता दो। टेलीग्राम पे आपको मैंने जोड़ी रखा है, डिस्क्रिप्शन में भी आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। टेलीग्राम में डेनियल क्लासेस आप ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम पे आप मुझे मैसेज भी कर सकते हो, ज़्यादा समस्या आए तो ये मेरे नंबर हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ही करना है और बताना है कि मेरे याद हो गए हैं। जो स्टार्टिंग में 50 बंदे हैं जिनके याद होंगे, उनको मैं खुद पूछूंगा कि उनके कितने याद हो गए हैं, क्या क्या उनकी प्रोग्रेस है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे लाइक ज़रूर करना, अगर आप नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। जो भी आपके दोस्त हैं तैयारी करें, सीरियस तैयारी करने हैं, जिनका उद्देश्य केवल नौकरी लगना ही है, उनको ये वीडियो ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।